दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिमिलर है, सिर्फ छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस ही है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, फाइनल क्वांटिटी दी गई है, बाद में इंक्रीमेंट होने के बाद की क्वांटिटी दी गई है जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसकी। लेकिन जब हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था तो वहां कॉपर और एल्यूमिनियम की बात की गई थी और वहां पे इनिशियल मिक्सचर हमें 2 kg दिया गया था, सिर्फ इतना सा अंतर है। वहां पे हम लोग क्या किए थे, जिस प्रोसीजर में चले थे, हमें यहाँ पे प्रोसीजर उल्टा फॉलो करना है ना। देखते हैं, एन एलॉय कंटेन 89% ऑफ कॉपर, एक एलॉय है, मान लो वो एलॉय क्या है, यहां पे हमने मान लिया x, क्या मान लिया x मान लिया, क्योंकि यहां पे केजी में भी बात हो रही है, केजी में भी बात हो रही है और अमाउंट हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में अमाउंट जो निकलने वाला है वो चाहिए, तो हमने मान लिया x केजी। ठीक है, अब बोला क्या गया है, 89% क्या है कॉपर, x का 89 क्या है परसेंट, क्या होगा इतना, और ये क्या होगा 0.11x, ये क्या है हमारे पास कॉपर, कॉपर मतलब Cu, और ये हो गया अदर, ये क्या हो गया अदर, कॉपर के अलावा कोई भी मेटल निकल सकता है वो हो सकता है। अब बोला गया कि फाइंड हाउ मच कॉपर इज टू बी मिक्स्ड टू अ सैंपल ऑफ एलॉय सो एज टू गेट 44 केजीज ऑफ अ न्यू मेटल हैविंग 90% कॉपर इन इट, जिसमें 90% कॉपर हो, ऐड क्या करना है हमें, कॉपर को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, कॉपर को ऐड करना है, जिससे क्या होगा कि जो नया मिक्सचर है उसका किलो बताया गया कितने किलो का है, ये 44 केजी का है। देखो यहां से दो चीजें और आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, 44 केजी है, जिसमें से जो 44 केजी है नया मेटल उसमें से 90% कॉपर है, 90% क्या है कॉपर, मतलब 9/10 क्या है इसका, 44 का कॉपर, बात समझ में आ गई, 9/10 मतलब 90% ऑफ 44, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉपर हो जाएगा, और अदर की बात करें, अदर कितना हो जाएगा यहां पे 10%, और ये हो जाएगा 90%, 10% मतलब 1/10 ऑफ 44, मतलब 4.4 kg, फाइनल मिक्सचर में अदर की क्वांटिटी है 4.4 kg, और फाइनल मिक्सचर में जो इनिशियल है, अब ये 4.4 आ गया तो देखो यहां पे 39.6 आ जाएगा, ये इसे सॉल्व करें, या फिर हम लोग क्या करें, 44 में 4.4 माइनस कर दें तो 39.6, या 9/10 से भी कर सकते हैं सॉल्व, आंसर सेम आएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो अदर है हमने मिलाया क्या है कॉपर, तो क्या क्वांटिटी किसकी चेंज होगी, कॉपर की चेंज होगी, कॉपर की क्वांटिटी चेंज होगी, हमारा जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन जो अदर क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने अदर से छेड़खानी नहीं की है, हमने ना तो अदर वाला प्रोडक्ट, मान लो एल्यूमिनियम है, अदर में क्या है, मान लो एल्यूमिनियम है, तो ना तो हमने एल्यूमिनियम को ऐड किया है, ना ही सब्सट्रेट या रिमूव किया है, क्लियर। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये तो चेंज नहीं हुई ना, ये तो चेंज नहीं हुई, ये चेंज नहीं हुई, तो यहां से हमने क्या देखा कि 0.11x की वैल्यू 4.4 के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 kg, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 4 kg, कितने आ जाएगी 4 kg, जब x की वैल्यू 4 kg आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 4 kg, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.44 kg, और ये कितना हो जाएगा यहां पे 11 × 4 हो गया ना, ये 0.44, और ये 4 से मल्टीप्लाई करें इसे, हमें इससे मतलब, हालांकि इस चीज से अभी कोई मतलब नहीं था, हमें यहां पे मतलब है 0.89 × x, 0.89 × x कितना हो जाएगा 0.89 × 4, 3.56, कितना आ जाएगा 0.89 × 4, कितना आएगा ये 3.56 kg, कितना आ जाएगा ये 3.56 kg, क्लियर। सॉरी ये 40 आएगा यहाँ पे, 40 आएगा, ठीक है, तो ये 4.4 हो जाएगा। अब ये 4.4 आ गया, हमें x की वैल्यू 40 पता है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व नहीं भी करते तो हम लोग बोल देते 35.6, क्योंकि 40 में से 4.4 गए तो कितना 35.6 बचेगा, मतलब ये जो कॉपर था, इनिशियल कॉपर इतना था, बाद में कॉपर इतना हो गया, इनिशियल कॉपर इतना था, बाद में जब कॉपर इतना हो गया तो हमसे क्या पूछा गया, कितना हमने मिक्स किया है, कुछ मिक्स किया होगा हमने,
कुछ मिक्स किया होगा, मिक्स करने की वजह से ये तो क्वांटिटी बढ़ी। तो कितना मिक्स किया हमने, कॉपर एडेड, कितना कॉपर ऐड किया है, C2 - C1, मतलब 39.6 माइनस 35.6 ये आ जाएगा 4 kg, 4 kg, मतलब हमने क्या किया है, 4 kg कॉपर को मिक्स किया है ना। यहां पे हम लोग देखो उल्टा चले हैं, यहां पे हमें kg की वैल्यू पता थी 2 kg, फिर हमने क्या निकाला था यहां पे 0.6 kg कॉपर के लिए, 1.4 kg एल्यूमिनियम के लिए पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम क्या है कि यहां पे जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, यहां पे कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इनको हमने इक्वेट किया, इनको हमने इक्वेट किया और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसा ही कर रहे थे कि जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट किए। क्या फाइंड आउट किया था हमने वहां पे, वहां पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास नोन था और जो हमारे पास अननोन चीज थी, है ना। क्या चीज थी हमारे पास अननोन, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। वहां पे हमें क्या करना था, एल्यूमिनियम को ऐड करना था, कितना एल्यूमिनियम हमने ऐड किया, मतलब 1000 ग्राम हमने ऐड किया है। तो कंडीशन कहां से आई थी हमारी, जो चीज चेंज नहीं हो रही वहां से। हमने हालांकि दूसरी कंडीशन से भी क्या किया था, आंसर निकाल लिया था, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये चीज तो क्या है 4.4 है, जब ये 4.4 है 39.6 है इसका 90%, अब ये चीज चेंज नहीं हो रही है, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल सकते थे क्या, यहां से x की वैल्यू हम लोग, x की वैल्यू यहां से निकल सकती थी क्या हम लोगों की, नहीं निकल सकती थी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने का चेंज हो रहा है, लेकिन हमें ये चीज वहां पता है अदर के केस में कि ये चीज सेम है, फिक्स है, इसलिए हमने क्या निकाला, x की वैल्यू यहां रखी, दोनों का डिफरेंस लिया, तो क्या आ जाएगा कि कॉपर हमने कितना ऐड किया है, 4 kg, है ना, 4 kg। अब कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो किस पे बेस्ड है, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट्स पे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 90% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 120 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, है ना, बात समझ में आ गई। बोल रहा है कि जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 90% वाटर है और जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% वाटर है ना। ड्राई फ्रूट्स मतलब क्या, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अलग है, ड्राई फ्रूट्स मतलब सूखा क्या है, फल, सूखा फल, ऐसा नहीं ड्राई फ्रूट्स हम अलग समझ ले काजू बादाम, ये ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेश फ्रूट मतलब दो, देखो कोई भी अगर मान लो क्या है हम लोगों के पास फ्रूट है, अब वो फ्रूट किससे मिलके बना होता है, उसमें क्या चीजें होती है, या तो वाटर, वाटर प्लस पल्प, पल्प मतलब जो चीज खाते हैं गूदा, क्या खाते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होता है फ्रूट का वो होता है पल्प, और दूसरा पार्ट क्या होता है फ्रूट में, वाटर H2O, इन दोनों चीजों से मिलके बना होता है फ्रूट, है ना। ये चीज हम लोग क्या करते हैं, ये एडिबल पार्ट है, इसे हम खाते हैं, जितना ज्यादा पल्प रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, वो फ्रूट रहेगा, है ना, उतना ज्यादा फ्रूट रहेगा। अब वाटर और पल्प से मिलके बना है अगर फ्रूट, तो मान लो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, मान लो क्या हुआ, वाटर कुछ उड़ गया, है ना, वाटर कुछ उड़ गया, मान लो कि वाटर का परसेंट कितना 20% है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास पल्प कितना है 80%, कितना है पल्प 80% पल्प है हम लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर उड़ गया, इसे हम कितना ले ले 60 ले लेते और इसे 40 ले लेते हैं, ये कौन सा है फ्रेश फ्रूट, क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा है, फ्रेश फ्रूट है ये, मान लो क्या है ये फ्रेश फ्रूट है, मान लो यहां पे क्या हुआ इवोपोरेशन हो गया, इवोपोरेशन हुआ तो यहां पे क्या हुआ हम लोगों के पास वाटर तो कम हो गया, लेकिन पल्प कितना रहेगा, पल्प कितना रहेगा, पल्प तो सेम रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि वाटर निकल गया तो पल्प आ गया है फ्रूट के अंदर, ऐसा थोड़ी होगा, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। ये क्या है सॉफ्ट पार्ट ऑफ फ्रूट या एडिबल पार्ट बोल सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो मतलब जो पल्प है वो चेंज कैसे होता है, मान लो यहां पे वाटर है, जब यहां से मान लो 20% कुछ पानी निकल गया, 20% या वाटर रिमूव हो गया, है ना, वाटर क्या हो गया रिमूव हो गया कुछ अमाउंट में, मान लो ये बचा बाद में 20%, कितना बचा बाद में, तो ये कितना बचेगा 80%, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी थी और यहां पे जो पल्प है बाद में, ये जो बाद में पल्प है, इनकी जो एक्चुअल में क्वांटिटी रहेगी वो तो सेम रहेगी,
अब वाटर उड़ गया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी या फिर पल्प बन के वापस आ जाएगा वाटर, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। यहां पे क्या होगा कि जो एडिबल पार्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, देखो मान लो फ्रूट क्या है हम लोगों के पास 100% है, तो पहले 40% वाटर था तो खाने वाला पार्ट एडिबल पार्ट कौन सा था 60%, लेकिन जब वाटर रिमूव हो गया है तो फ्रूट तो हमारा 100% ही है ना। तो यहां पे पल्प चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे कि किसके रेस्पेक्ट में, फ्रूट का जो टोटल पार्ट है उसके रेस्पेक्ट में पल्प है 60%, लेकिन जब वाटर कम हो गया है तो किसके, फ्रूट के रेस्पेक्ट में पल्प बढ़ेगा, है ना, परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जो पल्प की क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है। मान लो अगर हम यूनिट में, मान लो 60 यूनिट पल्प था या 60 ग्राम पल्प था, तो बाद में भी उसमें पल्प तो 60 ग्राम रहेगा, लेकिन जो फ्रूट का टोटल परसेंटेज का जो ये पार्ट कैरी करेगा वो 80% हो जाएगा, क्योंकि वाटर कम हो गया। वाटर कम हो गया तो इसका परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी क्या करनी है 100%, है ना, क्या करनी है क्वांटिटी 100%, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे पल्प का वो इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेश का, और ये क्या है ड्राई का, मतलब ड्राई फ्रूट जो है, जो सूखा हुआ फल है उसमें क्या होगा कि हमारा जो एडिबल पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास फ्रेश फ्रूट क्या है, मान लो हमें 100 kg का क्या बनाना है, फ्रूट चाहिए। अब 100 kg फ्रूट चाहिए तो हमें जो फ्रेश फ्रूट चाहिए होंगे वो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें हर एक फ्रूट में सिर्फ 60%, हर एक फ्रूट का सिर्फ 60% एडिबल पार्ट होगा या फिर पल्प होगा। लेकिन अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो वो फ्रेश फ्रूट से कम लगेंगे, जो क्वांटिटी है फ्रेश फ्रूट की उससे कम ड्राई फ्रूट लगेंगे अगर वही हमें पल्प चाहिए तो, उतना ही अमाउंट ऑफ पल्प चाहिए तो। बात समझ में आ गई क्या हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब ड्राई फ्रूट में ज्यादा अमाउंट ऑफ पल्प रहेगा और फ्रेश फ्रूट में कम रहेगा, क्योंकि फ्रेश फ्रूट में वाटर की अमाउंट ज्यादा है। अब क्वेश्चन में ही देख लो, यहाँ पे 90% वाटर है, क्या है 90% वाटर फ्रेश फ्रूट में, लेकिन जैसे जैसे इवोपरेट हो गया वाटर तो जो फ्रूट बचा वो सूख गया, इवोपरेशन के बाद सूख गया फ्रूट, तो उसमें जो क्वांटिटी रहेगी पल्प की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन उसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, है ना, परसेंटेज इंक्रीज हो गया। देखो यहां पे पल्प का परसेंटेज 10% था, यहां 80% हो गया है, सिर्फ 20% वाटर है, मतलब इसका परसेंटेज कितना हो गया है 80% हो गया पल्प का। बात समझ में आ गई। तो ये रहता है कॉन्सेप्ट, वैसे कुछ काम का नहीं है लेकिन समझ में तो हमें आना चाहिए, मतलब कि हम कर क्यों रहे हैं ये सिर्फ, ठीक है। अब अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, वही देख लेते हैं कैसे। यहां पे हमें CPR मेथड भी काम आने वाली है, उसका भी यूज कर लेंगे एक बार। अब क्या बोला गया है, पल्प देखो यहां पे 90% वाटर है और यहां पे 20% वाटर है, मतलब जो अमाउंट हमें चाहिए वो इक्वल चाहिए। क्या बोला गया, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 120 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। इसका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि अगर हम 120 kg में जो अमाउंट ऑफ पल्प रहेगा, अगर वही अमाउंट ऑफ पल्प हमें ड्राई फ्रूट में चाहिए तो हमें कितने ड्राई फ्रूट लगेंगे, कम लगेंगे, ऑब्वियसली बात है कम लगेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट में क्वांटिटी ऑफ पल्प ज्यादा रहती है फ्रेश से। जब फ्रेश हमें 120 kg लग रहे हैं तो ड्राई उससे कम लगेंगे। अब हमें बताना है कि कितने लगने वाले हैं। बात समझ में आ गई। यह है हमारे पास फ्रेश फ्रूट, यह ताजा फल है ना। अब इसमें क्या बोला गया, वाटर कितना है, 90% वाटर है, तो बचा हुआ 10% क्या है, पल्प है। अगर ड्राई की बात करें हम लोग, ड्राई की बात करें तो यहां 20% क्या है, वाटर है, 20% वाटर है, तो बचा हुआ 80% क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा, क्योंकि यहां 70 थोड़ी कर सकते, 60 थोड़ी कर सकते, 20% क्या है, जब बनाई फ्रूट पल्प और वाटर से है तो 20% कहां गया फिर, ना वो वाटर में हो रहा है ना पल्प में, तो क्या मतलब फिर है ही नहीं है ना वो, तो है ना, दोनों चीजों से मिलकर बनी है तो दोनों चीजें आएंगी। अब क्या हो रहा है यहां पर, क्या बोला गया है कि हमें फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी बताई गई है 120 kg,
तो हमें बताना है कि उतना ही अमाउंट ऑफ पल्प लगेगा, तो हमें बताना है कि ड्राई फ्रूट्स कितने लगेंगे, है ना। अब पल्प की क्वांटिटी को हमें सेम करना है, अगर पल्प की क्वांटिटी सेम हो गई तो हमें पता लग जाएगा यहां से क्या कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स चाहिए, अगर ड्राई फ्रूट हमें क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट चाहिए तो, है ना, 120 केजी करने के लिए। तो हमने देखा कि हमें मतलब है पल्प से, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में पल्प से मतलब है हमें। अब टोटल फ्रेश फ्रूट का 10% पल्प, पल्प कितना है 10%। अब 120 केजी का पल्प कितना निकलेगा, 120 केजी का पल्प कितना निकलेगा 10%, है ना। 120 केजी फ्रेश फ्रूट कितने हैं 120 केजी, 120 केजी का 10% क्या होगा 120 केजी, या तो इसे क्या मान लो 120 केजी का एक फ्रूट मान लो, या एक एक केजी के 120 फ्रूट मान लो, एक ही बात है, है ना, एक ही बात है ना। जैसे हमने वर्क में किया था, क्या किया था, या तो हम एफिशिएंसी को 4 मान ले और नंबर ऑफ मैन 1 मान ले, या फिर एफिशिएंसी को 1 मान ले नंबर ऑफ मैन 4 मान ले, सिमिलर कॉन्सेप्ट। 120 केजी हमने मान लिया, या 120 या अमाउंट पूछा गया है क्या, नहीं। हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 120 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। तो यहां हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना, बात समझ में आ गई। या तो हम केजी मान ले या अमाउंट मान ले, अगर अमाउंट मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक केजी के 120 फ्रूट है, तो ये अमाउंट मान लिया हमने। अब 120 फ्रूट है, उसका 10% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 10% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब उतना ही अमाउंट ऑफ पल्प यहां से निकलेगा, ये कितना है मान लो ड्राई फ्रूट, एक्स नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट है, तो इसमें से कितना पल्प निकलेगा 80%, कितना निकलेगा 80% निकलेगा, बात समझ में आ गई। तो ये यहां से हमें ऐसे करना है, अमाउंट ऑफ पल्प किसके लिए, ये किसके लिए लिखा पहले हमने, फ्रेश के लिए, जितना फ्रेश से अमाउंट ऑफ पल्प आएगा उतना ही हमें किससे करना है, हमें ड्राई वाले से करना है, किससे, ड्राई फ्रूट से। तो ये अमाउंट ऑफ पल्प आ गया, 120 केजी था या क्वांटिटी था जो भी हो, मल्टीप्लाई बाय 10%, इसका 10%। अब एक्स फ्रूट है मान लो, ड्राई फ्रूट कितने हैं एक्स, उसका 80%, तो अमाउंट ऑफ पल्प इक्वेट करना है, क्या करें, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, एक्स बराबर 120/8 कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, ठीक है, कितना आ जाएगा 15, मतलब अमाउंट ऑफ पल्प हमें इक्वेट करना है। तो यहां से निकाला फ्रेश फ्रूट में अमाउंट ऑफ पल्प कितना है, केजी में या क्वांटिटी में किसी में भी निकालो, यहां पे हमने मान लिया कि एक्स क्या है क्वांटिटी है, तो उसका 80% निकलेगा। एक फ्रूट में अगर 80% निकलता है तो एक फ्रूट में एक्स नंबर ऑफ फ्रूट में 80% निकलेगा, है ना। फ्रेश फ्रूट कंटेन 90% वाटर, मतलब अफ्रेश फ्रूट, एक फ्रेश फ्रूट में 10% क्या होता है, पानी होता है। तो या तो हम एक फ्रूट में मान ले तो 120 फ्रूट में कितना परसेंट क्या हो जाएगा पल्प हो जाएगा, यहाँ पे 120 × 10% इतना हो जाएगा पल्प, तो पल्प की क्वांटिटी को सेम रखना है। दूसरी बात एक यहां से हम समझे कि यहां पे क्या हो रहा है, देखो पल्प की क्वांटिटी, जो पल्प की क्वांटिटी है, पल्प ज्यादा किसमें है, पल्प किसमें ज्यादा रहेगा, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये क्वांटिटी के, अगर पल्प ज्यादा तो क्वांटिटी कम, है ना। अब पल्प किसमें ज्यादा है, ड्राई फ्रूट में क्वांटिटी ऑफ पल्प ज्यादा है, सॉरी क्वांटिटी क्या है, हाँ ड्राई फ्रूट में कितना पल्प ज्यादा है, है ना, अमाउंट ऑफ पल्प, या ऐसा बोल दे अमाउंट ऑफ पल्प बोल दे, अमाउंट ऑफ पल्प इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, मतलब यहां पे जो फ्रेश फ्रूट है, क्या है यहां पे जो फ्रेश फ्रूट है उसमें पल्प का क्या परसेंटेज है, 10% है, ठीक है, कितना है 10% है, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, है ना। फ्रेश फ्रूट देखो उसकी में क्या है, सिर्फ 10% पल्प निकल रहा है, तो उसकी क्वांटिटी 120 है, 120 क्वांटिटी मान लो या केजी मान लो, अमाउंट मान लो,
सिमिलरली ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट में क्या है, 80% पल्प है, यहां 10% था, यहां 80% पल्प है। तो जब 80% पल्प है तो इसकी क्वांटिटी देखो 15 है, मतलब जितना ज्यादा पल्प रहेगा उतना कम क्वांटिटी रहेगी, है ना। सिमिलर करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ पल्प को बराबर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पल्प रहेगा उसकी इन्वर्सली रहेगा क्वांटिटी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है प्रोडक्ट, कॉन्स्टेंट, अमाउंट ऑफ पल्प इनटू क्वांटिटी, क्या है, कॉन्स्टेंट। क्या ये चीज कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से क्या बोल सकते हैं, हमने क्या पढ़ के रखा है, हमने सीपीआर पढ़ रखा है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, प्रोडक्ट हो रहा है ना, अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, रेशियो में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। अगर एक चीज इतने से बढ़ती है तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डिक्रीज होगा, कहने का मतलब यह है कि यहां पर पल्प का जो परसेंटेज इंक्रीज होगा 10% से 80% हुआ है, 10% से 80% हो रहा है, मतलब जितने का इंक्रीमेंट होगा पल्प में उतने का डिक्रीमेंट हो जाएगा किसमें, क्वांटिटी में, जितने का इंक्रीमेंट होगा पल्प में उतने का डिक्रीमेंट हो जाएगा क्वांटिटी में, जितने का इंक्रीमेंट होगा पल्प में उतने का डिक्रीमेंट हो जाएगा क्वांटिटी में। ये डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट कितना हुआ है ये हमें शो करेगा, डिक्रीमेंट होने के बाद वाली क्वांटिटी नहीं है ये कितनी डिक्रीमेंट हुआ है ये है। मान लो हम लोग बोले कि हमारे पास 100 है, उसमें से 20% चले गए, 20% चले गए, 100 क्वांटिटी, 100 क्या थे, फोन्स थे, उसमें से 20% चले गए, है ना। तो चले गए कितने, 20%, तो ये शो करेगा 20%, जो बचे वो 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये शो करेगा हमें कितनी कमी आई है। ये कमी होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो शो नहीं करेगा, जो फाइनल जो रिजल्ट है उसमें से अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये कमी होने के बाद रिजल्ट बताएगा। बात समझ में आ गई, तो इतने का इंक्रीमेंट और इतने का डिक्रीमेंट हो रहा है, यही चीज हो रही है ना। अब हम देखिए एक चीज, तो यहां पे क्या हो रहा है कि पहले जो फ्रेश फ्रूट है और ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट कितने हैं, ड्राई फ्रूट कितने हैं हमारे पास, ड्राई ब्राई फ्रेश, ये पल्प की बात करें तो ड्राई फ्रूट कितने हैं, पल्प 80% है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहां इसे 80 मान लो और इसे 10 मान लो, परसेंट हटा दो तो 8/10 सॉरी 8/1 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। अब डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है यहां पे, ये क्या है, ड्राई फ्रूट में पल्प की क्वांटिटी 80% है और फ्रेश फ्रूट में 10% है, मतलब 8/10, ये तो रेशियो है। अब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है कम है, ये देखो कितना ज्यादा है यहां पे, 7/1 ज्यादा है, 7/1 ज्यादा है, मतलब पल्प का जो रेशियो है वो 7 ज्यादा है सॉरी जो क्या है, पल्प का रेशियो है वो 7 ज्यादा है। जब 7 ज्यादा है तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, 7/1, 7/1 ज्यादा है ना, डिफरेंस लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे ना, यहां पे देखो इसका रेशियो आया 8/1, इसका रेशियो क्या आया, 8/1। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, कितना कम कितना ज्यादा, पॉजिटिव आया तो ज्यादा है, इतना कितना ज्यादा है, 7/1 ज्यादा है, परसेंटेज चेंज निकाला, परसेंटेज चेंज निकाल, मतलब ड्राई फ्रूट से सॉरी फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट का कितना ज्यादा परसेंटेज है पल्प में, 7/1। जब 7/1 ज्यादा है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 1, तो इतना कम, मतलब 7/8 कम होगा, 7/8 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा, 7/8 कम हो जाएगी। अब ये कम क्या हो रही है, जब पल्प बढ़ रहा है, जब पल्प बढ़ रहा है फ्रेश से ड्राई में, तो ड्राई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट्स कम हो जाएंगे। अब ये 7/8 तो कम होंगे, लेकिन कम होने के बाद कितने हो जाएंगे, ये 7/8 -1, तो कम होने के बाद
ये फाइनल है, ये कम हो रहे हैं और ये फाइनल है। अब 1/8 हो जाएंगे, कितने 1/8, 120 का 1/8 कितना हो जाएगा, 120 का 1/8 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर, बात समझ में आ गई। 15 क्या रहेगा इस केस में आंसर। तो अलग अलग तरीका है करने का, बेस्ट तरीका क्या है ये सब तो बस हमने समझा है, यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली यहां से सॉल्व करेंगे। अमाउंट परसेंटेज ऑफ पल्प मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ पल्प इन ड्राई फ्रूट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट, सिर्फ ये याद रखना है, सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां से जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पल्प ज्यादा है तो हमें कम क्वांटिटी लगेगी किसकी, फ्रूट्स की, है ना, बात समझ में आ गई। अगर अमाउंट ऑफ पल्प क्या है, कम है, अमाउंट ऑफ पल्प किसी फ्रूट में कम निकलता है जो कि फ्रेश फ्रूट में कम निकलता है, तो हमें फ्रेश फ्रूट के ज्यादा अमाउंट चाहिए होंगे, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। अब ड्राई बाय फ्रेश दोनों का रेशियो क्या है, 8/1, क्या है 8/1। अब परसेंटेज चेंज मतलब कितना कम ज्यादा है ये कौन बताएगा, परसेंटेज चेंज बताएगा। तो यहां पे देखो कितने का चेंज आ रहा है, 7/1 का, 7/1 का ये चेंज है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीमेंट है, बढ़ रहा है ना। फ्रेश फ्रूट में पल्प, पल्प की बात कर रहे हैं ना, फ्रेश फ्रूट में पल्प कम है, ड्राई में ज्यादा है, मतलब 7/1 इंक्रीज है। एक्स की वैल्यू कंपेयर की, मतलब 7/8 कम करना पड़ेगा, किसको 7/8 किसको कम करना पड़ेगा, हमें क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ किसकी, फ्रेश फ्रूट को, है ना। तो 7/8 मतलब कितना हो जाएगा, या तो यहां से कर लो 7/8 कम करना पड़ेगा, मतलब 105, है ना, 8 × 15, 15 × 7 = 105, तो 105 कम करना पड़ेगा, तो रखना कितना पड़ेगा 15, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहां से कर लें कि 7/8 कम हो रहा है तो हो कितना रहा है, 8 - 7 कम हो रहा है ना, तो नेगेटिव। अब हमने पढ़ा था नेगेटिव मतलब 1/8 हो जाएगा, तो हो कितना रहा है 1/8, तो 120 का 1/8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो ये तरीके हैं करने के, लेकिन करने का अप्रोच हमारा यही रहेगा, कौन सा, ये वाला, अमाउंट ऑफ पल्प बराबर रखना है दोनों केस में,